देखो सामने आपको पटरी नज़र में आ रही होगी, यही पटरी जो है किचन तक जा रही है सामने, बिल्कुल जो सामने जो किचन है वहाँ तक जा रही है, और वहीं से हमारी जो ट्रेन है इसी पटरी पे होते हुए और हमारे लिए खाना लेके आएगी। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप सब अपने अपने घरों में होंगे, मौज ले रहे होगी, बढ़िया से रोज ले रहे होगी। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ ट्रेन रेस्टोरेंट का जो है व्लॉग शूट करने। यहाँ पे जो है रेलगाड़ी से जो खाना वगैरह सर्व किया जाता है, तो बढ़िया से इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं सारी जानकारी दे देता हूँ कि एड्रेस क्या है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, देन इसको बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे आज। अगर मैं ट्रेन रेस्टोरेंट की अगर मैं एड्रेस की अगर बात करूँ तो ये लेजर वैली रोड सेक्टर 29 गुड़गांव में है, सिटी सेंटर एरिया में, शॉप नंबर 19 है। और अगर मैं नियरेस्ट अगर मैं मेट्रो स्टेशन की अगर बात करूँ तो इफ्को चौक पड़ता है, इफ्को चौक से भाई 1.5 किलोमीटर दूर है। आप ऑटो वगैरह ले सकते हो, आप 30-40 रुपये लेगा आपसे और यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देगा। मैं यहाँ के इस रेस्टोरेंट का अगर मैं टाइमिंग की अगर बात करूँ तो ये सुबह 11 बजे ओपन हो जाता है और रात के 11 बजे तक ओपन रहता है, और ये हफ्तों के 7 बजे ओपन रहता है। गाइस इस ट्रेन रेस्टोरेंट के सामने ही पार्किंग अवेलेबल है, अगर आप अपने व्हीकल से अगर आप आते हो तो आप पार्क कर सकते हो, कोई चार्जेस आपको पे करने नहीं है। सबसे अगर मैं आपको मेन आपको अगर बात बताऊँ ना, तो अपने इंडिया के अंदर ना 4 रेल रेस्टोरेंट थे पहले, चारों को चारों राजस्थान में है। अभी 5वां खुला दिल्ली NCR के अंदर, गुड़गांव के अंदर, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और ये 12 जुलाई को खुला है और आज है 14 जुलाई, और तुम्हारा भाई पहुंच चुका है भाई व्लॉग शूट करने के लिए। मतलब शायद कल कोई शूट कर गया हो तो भाई कुछ कह सकता नहीं, कल या परसों कोई शूट कर गया हो तो कुछ कह सकता नहीं। तो बाकी आज 14 जुलाई है, तुम्हारा भाई पहुंच चुका है, तो अंदर से सारा दिखाऊंगा आपको मैं, क्या क्या फैसिलिटी है अंदर, क्या क्या खाने का है, मेन्यू वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आपको मैं। अब मिलते हैं अंदर। गाइस ये कुछ जानकारी थी इस ट्रेन रेस्टोरेंट के एड्रेस के वगैरह के बारे में, नियरेस्ट मेट्रो वगैरह के बारे में। फिर भी अगर आप कुछ जानना है आपको, तो आपकी स्क्रीन पे जो है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, हमेशा आती है, आप फॉलो करते नहीं हो बट फॉलो कर लेना यार, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। तो अब मिलते हैं अंदर, बढ़िया से एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो गाइस सामने देखो आपको ट्रेन रेस्टोरेंट की जो मेन एंट्री दिख रही होगी, जैसे ट्रेन की मतलब रेलगाड़ी नहीं होती जैसे खिड़कियाँ होती हैं, बिल्कुल सेम डिज़ाइन कर रखा है बिल्कुल यार। तो ये है मेन एंट्री जहाँ से हमें ऊपर जाना है, बाकी आप सामने से आओगे ना आपको साफ दिख जाएगा कि हाँ ये ट्रेन रेस्टोरेंट है। अब चलते हैं ऊपर और आपको सारा ऊपर का दिखाता हूँ आपको मैं। अपने को जो है सीढ़ियों से ऊपर जाना है आपको, अपने को मतलब हमें ट्रेन रेस्टोरेंट में जाने के लिए जो है फर्स्ट फ्लोर पर जाना है हमें, और सामने जो है आपको ऐसे बोर्ड भी नज़र में आ जाएगा ट्रेन रेस्टोरेंट का, बीच में ही मतलब सीढ़ियों के बीच में, और ये देखो ट्रेन की पटरियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं। भाई जैसे आप इस रेस्टोरेंट में आप एंट्री करोगे ना तो आपको पहला लुक जो है वैसे नज़र में आएगा। देखो इंटीरियर डिजाइनिंग देखो कितनी प्यारी की हुई है यार, भाई सब डिजाइनिंग देखो कितनी प्यारी की हुई है यार, मेरा तो भाई मन खुश हो गया सीरियसली भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है अंदर से यार। भाई आप रीड कर सकते हैं, आप सामने देखो यार स्टेशन बनाए गए, जैसे भोपाल हो गया और कोयम्बटूर हो गया और मुंबई हो गया, तो काफ़ी तरह के जो यहाँ पे स्टेशन वगैरह बनाए गए हैं। अहमदाबाद देखो आप सामने, ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड, ये देखो मतलब ऐसे ही दिखाया गया, ये जोधपुर में टेकिंग की जो है ब्रांच है, जयपुर में 2 हैं, एक कोटा में है, एक गुड़गांव में भी ओपन हुई है। तो अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या है खाने में यहाँ पे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखेंगे पढ़ लेना आप। बाकी ये है प्लेटफॉर्म की स्टॉल से मसाला चाय हॉट कॉफ़ी 100 रुपये है, मिक्स वेज पनीर पकौड़े 210 रुपये, रोस्टेड मसाला पापड़ 80 रुपये, 120 रुपये सारा मेन्यू में। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह आप ले सकते हो 210-200 रुपये में है। और उसके अलावा अगर बगल में अगर देखें तो अभी तो गाड़ी शुरू हुई है, अभी तो गाड़ी शुरू हुई है, तो आप चाइनीज़ भेल वगैरह यहाँ से खा सकते हैं, हरा भेल कबाब है, हनी चिली पोटैटो हैं 350 रुपये के, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। नेक्स्ट पेज देखते हैं, यहाँ पे है सोनिया जी के यहाँ से सोनिया जी के यहाँ से चीज़ गार्लिक ब्रेड वगैरह आप खा सकते हो यहाँ पे, नॉन वेज भी है, और क्योंकि हर चाइनीज़ आइटम ख़राब नहीं होता, क्या बात है। हक्का नूडल्स है, वेज मंचूरियन काफ़ी कुछ है, चिकन मंचूरियन वगैरह है यहाँ पे, चिली चिकन वगैरह है। और देखें तो यहाँ पे धान की मालगाड़ी थोड़ी धान की मालगाड़ी स्टीम राइस एग बिरयानी वगैरह आप खा सकते हो, और ये क्या है फैलाने वाला रायता, तो गाइस फैलाने वाला रायता यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बूंदी रायता है, वेज रायता है, फ्रूट कॉकटेल रायता है। और अगले पेज पे देखें तो यहाँ पे खाना पैलेस ऑफ व्हील्स वाला, तो बटर चिकन वगैरह है, देखो आप काफ़ी कुछ आइटम चिकन के आइटम्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। खाना पैलेस ऑफ व्हील्स वाला, तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं क्या क्या मेन्यू है यहाँ पे, प्राइस वगैरह पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पे रोटी छोटी भी है, मिस्सी रोटी है,
तंदूरी प्लेन बटर रोटी है, कीमा रोटी है, और लास्ट में आप मीठे के लिए आप जो है आइसक्रीम वगैरह आप खा सकते हो, आइसक्रीम और गुलाब जामुन वगैरह आप खा सकते हो आप। अभी जो है मेरे यहाँ के स्टाफ से मेरी बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि जितने भी रेस्टोरेंट है ना ट्रेन रेस्टोरेंट पहले अपने राजस्थान के अंदर चार, वहाँ पे सिर्फ वेज खाना मिलता है। तो ये पहला ट्रेन रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे वेज के साथ नॉन वेज भी है, ठीक है। तो फिलहाल जो है आज मेरा मन है नॉन वेज खाने का, मैंने वो टाइम खाया भी नहीं यार, तो नॉन वेज ही ऑर्डर करूँगा मैं यहाँ से। तो सामने आपको पटरी नज़र में आ रही होगी, ये पटरी जो है किचन तक जा रही है, सामने बिल्कुल जो सामने जो किचन है वहाँ तक जा रही है, और वहीं से हमारी जो ट्रेन है इसी पटरी पे होते हुए और हमारे लिए खाना लेके आएगी। देखो अभी हमारा जो ऑर्डर आ गया है ट्रेन के थ्रू, रेलगाड़ी के थ्रू, देखो खाना आ रहा है हमारा ऑर्डर किया हुआ। चुक 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 रेलगाड़ी, चुक 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 रेलगाड़ी। अभी खाना अपना आ चुका है, ये देखो मैंने जो ऑर्डर किया था वो चिली चिकन ऑर्डर किया था और स्प्राइट ऑर्डर की थी, देखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है ये, अब खाने खाएंगे तो पता लगेगा कैसा है। गाइस अभी जो है चिली चिकन टेस्ट करते हैं, बताता हूँ आपको मैं क्या टेस्ट है इसका यार। भाई मज़ा आया, सीरियसली मज़ा आया, कोई बनावटी बात नहीं, बहुत मज़े, बहुत टेस्टी है यार। एक बस पैट के साथ एंजॉय करते हैं। ठंडक पड़ गई यार, सीरियसली भाई ठंडक पड़ गई बिल्कुल शरीर के अंदर, मज़े आ गए, ऐसा लग रहा है कि एक दो प्लेट और ना मंगवानी पड़ जाए यार। तो वही आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रेन वर्क कैसे करती है। जैसे एक किचन में से ट्रेन चलेगी, ठीक है, ये खाना वगैरह जो उसकी बग्गी में सीट में रख देंगे और एक कमांड दे देंगे कि लेट्स सपोज अगर इनका जो क्लाइंट है, इनका जो मतलब ग्राहक है, अगर मान लो मुंबई सीट पे बैठा है या कॉम्पिटर पर बैठा है, जैसे मैं कॉम्पिटर वाली सीट पर बैठा हूं, तो ये कमांड दे देंगे कि ये खाना जो है कॉम्पिटर वाली सीट पर जाना चाहिए, तो सीधा ये बिना कहीं मुड़े मतलब ये कॉम्पिटर वाली सीट पर ही आएगी मतलब आपके पास। जैसे आप पिछली क्लिप में आपने देखा ना आपने, तो सीधा हमारी सीट पर ही मुड़ी है ये। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो सारा खाना वगैरह है जो रेलगाड़ी के थ्रू सर्व किया जाता है, लेकिन मतलब जो ड्रिंक्स होंगी ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी या फिर मतलब पिज़्ज़ा वगैरह होगा, तो वहाँ गिरने का डर रहता है ट्रेन में, है ना भैया, यही है ना। तो इसलिए जो है भैया हमारे लिए मतलब भैया जो यहाँ पे जो भी वेटर होंगे, जो भी भैया हैं, वो सर्व करते हैं पानी वगैरह, पानी हो गया या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, पिज़्ज़ा वगैरह सर्व करते हैं, तो ट्रेन पर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाई अभी जो है इस रेस्टोरेंट को स्टार्ट हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और लोगों की भीड़ देखो यार, क्रेज़ देखो भाई यहाँ के रेस्टोरेंट का यार। भाई साहब मैं तो सच बता रहा हूँ भाई, मैं तो मेरी फैमिली आएगी यहाँ पे तो मैं पक्का लाने वाला हूँ उनको यार, एक बार तो मैं पक्का यहाँ पे लाने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है इस रेस्टोरेंट वालों से, मेरा प्रॉमिस है कि गाइस अभी मेरी तरह जो है वो लोग भी जो खाने आए हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो अभी जो उनका जो है एक रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं और दिखाता हूँ अभी आपको मैं। भैया आप भी पहली बार आए हो रेस्टोरेंट में, तो आपने क्या ऑर्डर किया था अभी आपने? हमने दाल मखनी ऑर्डर किया। ओके। मैं पनीर ऑर्डर किया, मलाई मलाई कोफ्ता ऑर्डर किया, चिकन ऑर्डर किया। तो कैसा लगा आपको खाना यहाँ पे? अच्छा था। तो क्या आप रेटिंग दो, क्या रेटिंग दोगे यहाँ पे आप? आउट ऑफ 5 4 और रिकमेंड करोगे लोगों को आने के लिए? बिल्कुल, डिफरेंट है, मेल्स क्रिएट चेंज हो गए, एक नया इनोवेशन है, ओके, तो हम रिकमेंड करेंगे कि अगर लोगों को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू भैया। बाकी यहाँ मैम भी हैं, मैम आप क्या मतलब रिकमेंड करोगे लोगों को? तो आप रिकमेंड करोगे लोगों को आने के लिए और रेटिंग क्या दोगे 5 में से? 4.5। ये कुछ था ट्रेन रेस्टोरेंट में जो मैंने आपको दिखाया, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया, 5 में से 5 नंबर दिया मैंने तो। बाकी वहाँ की जो भी और भी जनता आई हुई थी मैंने वहाँ से भी जो इनसे भी फीडबैक लिया मैंने, उनको भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छी रेटिंग दी उन्होंने भी, उन्होंने भी रिकमेंड किया लोगों को आने के लिए, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि एक बार आओ यार। एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और वीडियो में तो मैंने बता ही दिया आपको, तो एक बार आओ यार, एक बार मज़ा आएगा सीरियसली, फैमिली के साथ आओगे ना तो अच्छा फील होगा आपको यार, ठीक है। तो बाकी इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं आप अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।